सो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग बनारस की फेमस गंगा आरती देखने वाले हैं। आपको पता है कि बनारस में बहुत सारे घाट हैं और बहुत सारे ऐसे घाट भी हैं जहां पर गंगा आरती हो, तो लेकिन उसमें से ऐसा कौन सा घाट है जहां पर गंगा आरती सबसे फेमस? तो मैं आज ऐसे ही आपको एक घाट पर लेके चलने वाला हूं। नाम आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो वहां पर आपको कैसे आना है, किस टाइम पर आना है, किस टाइमिंग पर गंगा आरती स्टार्ट होती है, तो ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। मेक श्योर आप ब्लॉग को पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है। और एक चीज और गाइस, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और अमेजिंग वीडियो लाते रहता हूँ, आपको बहुत हेल्प होगी। सो बैक टू द वीडियो। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट। जी हाँ, ये वही घाट है जहाँ पर बनारस में सबसे फेमस गंगा आरती होती है और ये अपने गंगा आरती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये जगह। सो अगर हम टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर शाम के 7 बजे से गंगा आरती शुरू होती है, लेकिन लोग 5-6 बजे से ही आने लगते हैं यहाँ पर। ठंड की बात करें तो यहाँ पर 6 बजे से गंगा आरती स्टार्ट होती है क्योंकि दिन जल्दी ढल जाता है इस वजह से। तो आप भी कोशिश करना कि जल्दी आओ ताकि आपको अच्छे से अच्छे लोकेशन मिल जाए बैठने का। यहाँ पर आने की बात करें तो यहाँ पर आने का आप ऑटो रिक्शा से आ सकते हो और बहुत सारे ऐसे बोट भी हैं जो कि आप बोट में बैठ जाओ, लाइक आप अस्सी घाट पर हो और अगर आप बोट में बैठ जाओ तो वो को यहाँ तक लाकर ड्रॉप कर देंगे, या फिर आप बोट पर बैठकर भी गंगा आरती देख सकते हो और फिर आपको वहाँ पर अस्सी घाट पर छोड़ भी देंगे, तो उससे कुछ चार्जेस होते हैं आप देख सकते हो। और जो गंगा आरती है वो दोनों टाइम होता है, सुबह और शाम। तो सुबह आई थिंक, मेरे को एग्जैक्ट टाइमिंग का पता नहीं है, बट करीब 4 बजे से होता है और ये करीब 2 घंटे का होता है, 2 घंटे चलता है। व्यू इंजॉय करो अगर आप आते हो देखने, तो एक बढ़िया अमेजिंग व्यू होता है, अमेजिंग फीलिंग होता है गंगा आरती देखने के बाद, करने के बाद। आई होप आप भी जब बनारस आओगे या फिर आते हो तो गंगा आरती जरूर अटेंड करो और ट्राई टू अटेंड ऑन दशाश्वमेध घाट, क्योंकि यहाँ पे सबसे फेमस है यहाँ का गंगा आरती सबसे ज्यादा। तो चलिए अभी गंगा आरती देखते हैं और हम लोग पूरी आरती देखने वाले हैं, पूरी गंगा आरती देखने वाले हैं, क्या क्या चीजें होने वाला, कैसे होने, ठीक है? और फिर गंगा आरती के बाद मिलते हैं। और साइड में बैठ के हम लोग शूट कर लेंगे। बोला ठीक है, आप लोग साइड में बैठ कर परेशान मत नहीं करना किसी से। कंगना द्वारा शॉट किया। Thank you.
के लोकल समझ रहे हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर गंगा आरती खत्म होती। अमेजिंग एक्सपीरियंस यार, अमेजिंग रियली, मेरे लिए सब कुछ नया था। ये सुना तो बहुत था मैंने गंगा आरती के बारे में बनारस के, बट कभी ऐसे देखा नहीं था, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और मैं यही बोलना चाहूँगा यार कि अगर जब भी आपको टाइम मिलता है बनारस आओ और गंगा आरती जरूर देखना। और एक अलग सा वाइब्रेशन है, एक अलग सी एनर्जी घाटों पे है। मतलब आप जब यहाँ होगे ना तभी देखोगे यार, ऐसे नहीं बता सकता मैं आपको। वीडियो जरूर दिखा सकता हूँ, बट वो जो फीलिंग है ना गंगा आरती देखने के बाद, वो सिर्फ आपको यही मिलेगा यहाँ पे होने के बाद। सो आप भी जब बनारस आते हो तो ट्राई जरूर करना गंगा आरती देखने का, और दशाश्वमेध घाट पर ही देखना। सो गाइस अभी गंगा आरती खत्म हो गया है और अभी हम लोग चलते हैं काशी चाट भंडार। यहाँ पर एक चाट की दुकान है, काशी चाट भंडार नाम है, बहुत फेमस उसके चाट है। तो वहाँ पे चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं वहाँ पर, और आपको फिर फीडबैक और एक्सपीरियंस देते हैं कि कैसा चाट था यहाँ। आप अगर आते हो तो आपको खाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए
और भाई, हाँ भाई, बहुत भीड़ है यार काशी चाट भंडार पे, देखते हैं लग रहा है घंटे लग जाएगा यार। तबलीज भाई इतना मेहनत करने के बाद आलू चाट सबकी आलू चाट बनवा ली और क्या भाई, कैसी है दीना भाई? रमी भाई क्या खा रहे हो? चाट। प्यार? चाट। चाट। अभी तो सेम है दोनों यार। मजाइए भाई। झूठ बोल रहा हूँ। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। सो गाइस आप भीड़ देख सकते हो यार, कितना भीड़ है यहाँ पर। ऐसे लग रहा है कि आरती के बाद सारे लोग यहीं पर आ गए हैं काशी चाट भंडार चाट खाने। आप भी जब आना तो चाट ट्राई करना यहाँ पर, अच्छा है। और अगर आपने पहले से ट्राई कर रखा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कौन सा चाट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वैरायटी बहुत। तो अभी हम लोग मणिकर्णिका घाट जा रहे हैं और ये घाट अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको आपने कहीं ना कहीं इस घाट के बारे में नाम ज़रूर सुना हो, मणिकर्णिका घाट के बारे में। ये जो रूट आप देख रहे हो जाने का, ये पतली सी गली है, वहाँ पर जाने का ये रूट है। इसी गली में लोग रहते हैं, यहीं इसी गली में दुकान भी है, इसी में गाड़ी भी पार्क होती है, इसमें लोग जाते आते भी। तो कुछ ऐसा है जाने का रास्ता मणिकर्णिका घाट का। बहुत सारी अलग अलग थ्योरी या फिर कहानियाँ हैं मणिकर्णिका घाट के बारे में। मैं भी कभी गया नहीं हूँ, चल के देखता हूँ कि वहाँ पर कैसा है चीज़। लेकिन इतना सुना है कि वहाँ पर हमेशा चिताएँ जलते रहती हैं 24/7, कभी भी वहाँ का जो आग है वो ठंडा नहीं हो पाता या नहीं होता, हमेशा आग जलती रहती। और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि ये मुक्ति का द्वार है, यहाँ पर लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति मिलती है। तो चलिए देखते हैं आज कैसा है मणिकर्णिका का। तो अभी मैं आ चुका हूँ मणिकर्णिका घाट और आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी चिताएं एक साथ जल रही हैं। और अभी रात का समय करीब 8-9-10 बज रहा है और हमारे हिंदू रीति रिवाज में माना जाता है कि रात में चिताएं नहीं जलाई जाती हैं, बट यहाँ पर सीन कुछ और है। यहाँ पर चिताएं जल रही हैं रात में भी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 24/7 चिताएं जल रही हैं। और आप देखो एक साथ कितनी सारी चिताएं जल रही हैं और बहुत सारे ऐसे वेटिंग में। और अगर आप सोच सकते हो कि अगर रात में इतनी सारी एक साथ जल रही हैं तो दिन में कितनी सारी चिताएं जलती होंगी। सो गाइस अगर आपको सच में जानना है कि जीवन है क्या, तो आप एक बार मणिकर्णिका घाट आओ, यहाँ पर 10 मिनट चुपचाप बैठो और देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन है। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो छूट ही गया हमारा, अगर आप बनारस आए हो और बनारस का पान नहीं खाए तो क्या खाक बनारस है, तो खाते हैं बनारसी पान। और इसी के साथ इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जाए बंद अकल का ताला, वो खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला,
ओ खई के पहन बनो रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला।